तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। और अब हम जा रहे हैं ताजमहल। पहले ताजमहल देखेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे और बहुत ही मजे करेंगे। मैं हम आपको पूरी की पूरी वीडियो दिखाएंगे। जहाँ जहाँ कैमरे नहीं ले जा सकते उसके लिए माफ़ी, या बाकी जहाँ तक हम शूट कर पाएंगे वो सब आपको दिखाएंगे। पहले आपको ताजमहल दिखाएंगे, फिर बाकी जगह दिखाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो अब हम घर से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हमारी ट्रेन है मथुरा आगरा की। उस ट्रेन में हम बैठ के जाएंगे। बाकी आप सफ़र के मज़े लो। हम मैं मिलता हूँ आपसे रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद। पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अंदर जाएंगे अब हम। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आपको प्लेटफॉर्म के बगल में एक कैंटीन मिल जाएगी, जिससे आप कुछ खाने पीने का ले सकते हो अगर आप भूखे हो तो। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो ये देखो साइड में से कुली जा रहे हैं, ये आपको सामान भी ले जाते हैं। थोड़ा सामान है तो भी आपके लिए कुली मिल जाएगा। तो हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और हमारी ट्रेन है जो वो आ चुकी है। पर वो क्या है कि वो 6 बजे निकलेगी यहाँ से, तो 6 बजे तक का वेट करेगा मॉर्निंग में। अभी टाइम हो रहा है 5:30 के करीब टाइम हो रहा है। ताजमहल तो ताजमहल देखेंगे। तो गाइस, सब हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। ये ताजमहल जाने का रास्ता है, और ये वो बैग छोड़ दिया उसने। ये इंजन जा रही है, ये नहीं रुकती कहीं पे भी जाने वाले। हेलो,
बेचारे की फोटो नहीं खींच रही, खुद खींचने में लगे हुए हैं। बहुत पछता रहे हम लोगों के साथ आके, इनकी कोई फोटो खींचने के लिए है नहीं कैमरे से। हाँ, पर ताजमहल है जो कि अब दिख रहा है, मैंने मेकअप नहीं किया है इसलिए शक्ल बेकार आ रही है, कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है और आपको भी दिखाएंगे। ओके, तो देखो ये ताजमहल अपना, अपना तो नहीं है फिलहाल लेकिन अपना समझ सकते हैं हम। ओके, अरे तो सब चलेंगे। ये जो पेड़ है यहाँ पे बहुत अजीब है, इसने बोला है नीचे से देख ऊपर पहन सके तो समझ रहे हो, फिर समझ रहे हो। क्या क्या ये आधा लाल किला आधा ताजमहल है तो सुन रहे हो इसकी बातें भाई साहब, कह रही है आधा ताजमहल आधा लाल किला है, यहाँ से लाल किला लग रहा है और यहाँ से ताजमहल लग रहा है। इसका वहम मिटाना है तो भाई कमेंट करके बता दो ये जो पीछे चीज है ये क्या चीज है। ठीक है, ये हमारी एंजल है, एंजल हाय कर दो। हाय, तो आओ दोस्तों मैं एक बहुत बढ़िया सी जगह दिखाता हूँ भाई साहब, मैं तुम्हें देख रहे हो, यह अपनी यमुना नदी, यमुना नदी में नहाओगे इसके अंदर, वहाँ के उठाओगे ये डालो, ये नहाएगी ये नाना इसमें। जाने से पहले ये पहनना पड़ेगा पैरों, वीडियो में दिखा दूंगा। अब हम जा रहे हैं आगे, एक नदी है इसके पीछे बैक साइड में, हम बैक साइड में जा रहे हैं, बाकी आपको वहाँ पर चल के दिखाते हैं। यहाँ पे फैमिली आ रही है और ये हमारी कैमरामैन आ रही है, ये सारा शूट ले लेगी हमारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस तक, कोई शूट नहीं लिया ना इसने, मेरी एक भी फ़ोटो खींची, एक भी फ़ोटो नहीं खींची इसने मेरी, अपने खिंचवा लिया बाकी बहुत सारी। ये इस साइड है कवर, अब उसके पीछे आ गया है ये कबूतर, देख रहे हो इस साइड कवर है, ये अभी से पीछे आ चुका है। नदी तो हमने वहां से भी देख ली थी, नहीं बेचारे फोटो खींचने में लगे डर रहे हैं, ये देखो। हाँ बस और कुछ नहीं कर पाएंगे, बस फोटो खींचे, इनकी कोई भी नहीं खींच रहा, अंदर लाइन लगी पड़ी है फोटो खींचने के लिए। देखो कितना मस्त सीन है, बहुत ग्रीन ग्रीनरी चल रही है, तो गाइस ये रहा अपना ताजमहल। अब ताजमहल को बोलते हैं बाय बाय और निकलते इधर से हम, ठीक है। तो बाकी ये देख लो, थोड़ा लास्ट आपको व्यू दिखा देता हूँ, अंदर तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, उन्होंने मेरा दरअसल क्या था कि कैमरा बंद कर दिया था तो इसलिए अंदर का ज़्यादा शूट नहीं कर पाया मैं,
बाकी ज्यादा कुछ नहीं, अंदर एक कवर है, इसके पीछे नदी है और पूरा पसीना पसीना हो गया, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। सडनली देखते हैं आगे कहा जाता है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम मथुरा।